प्रेम शुक्ला जी, सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर यह लग रहा है कि जिम्मेदारी के बिना आप सत्ता चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ताग्रही है और हम सत्याग्रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा व्यक्ति अगर कहे कि मैं सत्याग्रही हूं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। श्रीमान राहुल गांधी बारंबार झूठ बोलने के अलावा कर क्या रहे हैं? अभी उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर कहा, मतलब जो व्यक्ति इतना अबोध हो कि उसको ये न पता हो कि 90 के दशक में कांग्रेस के शासनकाल में, 90 के दशक से लेकर 2014 तक लाल चौक पर भारत के तिरंगे झंडे को कांग्रेस के शासनकाल में फहराना वहां दुर्लभ था। वहां पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे, आईसिस के झंडे फहराए जाते थे और तिरंगा नहीं फहराया जाता था। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आतंकवादियों का दमन हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर मारा गया, जिस तरह से अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ, जिसका लाभ जो है कश्मीर में आज सामान्य कश्मीरी नागरिक भी तिरंगा लेकर वहां पर जन्माष्टमी के दिन आप कल्पना कर सकती थी कि वहां पर जो है उत्सव हो और वहां जुलूस निकले, वहां शंकराचार्य के मंदिर में पूजा हो, ये कभी कल्पना आपने कांग्रेस के शासनकाल में 1989 से लेकर 2014 तक कभी नहीं किया होगा। लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का सुशासन संस्थापित हुआ है उसका लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी पर बड़ी परेशानी, लगातार आरोप अडानी को लेकर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर कह रही है और एजेंडा उनका बिल्कुल क्लियर है। ये एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले लोकसभा चुनावों में उठाने वाले हैं। जी, इस मुद्दे को आप देखते हैं, इससे कोई नुकसान होगा? क्योंकि बार बार कह रहे हैं जेपीसी नहीं बना रहे आप, इस पे कुछ कर नहीं रहे आप। बकायदा देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर उनकी गिरफ्तारी की चर्चा, उनसे पूछताछ की चर्चा, पवन खेड़ा को आप उतार देते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे आप लोग, उन पर बात करने से बचते हैं। देखिए, कोई अपराधी हो और उसके खिलाफ अपराध दर्ज हो गया तो कार्रवाई होगी, यह तो स्वाभाविक संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया है। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, रफाल के मामले में 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए चोर जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया था ना कांग्रेस ने, जनता ने जनादेश दे दिया। जिन लोगों ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए पिछले 9 वर्षों में, भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर एक पैसे के घोटाले घपले भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, तो वो आरोप जो है मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रमाण नहीं लाके दे सकते। 2G पर तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जीएस सिंघवी ने आदेश दिया था ना जांच करने का, कोयले के घोटाले में भी उन्होंने ही आरोप की जांच का आदेश दिया था। रॉबर्ट वाड्रा में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। 400 BC की केस श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी पर दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया था। साहब, ये अदालतों का दरवाजा नहीं, क्यों नहीं खटखटाते? इतने इनके पास प्रमाण है, ये चले जाए ना अदालत में। और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो है अडानी मामले की सुनवाई हो रही है, ठीक है, तो क्या क्या इनको जल्दबाजी है, बताएं जरा। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जल्दी से, फिर मैं और दो मेहमानों का भी रुख करूं। असल बात, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, एक झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मशीन हो गए। पहले नहीं झूठ बोलते थे, इनको ये पहले पता ही नहीं है। पता नहीं इतने अबोध हैं कि साहब 1992 में ISIS तो थी ही नहीं। इनको ये नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लाल चौक पर झंडा फहराया जा रहा है। इनको ये नहीं पता, इनको इनको ये नहीं पता, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला ना सर, इनको ये नहीं पता है। मैंने 2014 का सिर्फ आपको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपको 89 से लेकर के और आज तक 14 साल इनकी सरकार रही है, इनको ये भी नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इंसानियत, कश्मीरियत, तमाम पता नहीं किस किस रियत पे बात करते थे। इनको ये भी नहीं पता कि मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों को लाखों डॉलर के साथ ये लोग कंधार छोड़ करके आते थे। इनको इनको असल बात इतने ये भोले हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि कोयला घोटाले में अगर आज तक किसी एक नेता को सजा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व कोयला मंत्री है दिलीप रे। और हम स्वीकार करते हैं कि हम में कुछ कमजोरियां थी, हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को जनता के सामने नहीं पर्दाफाश कर पाए। 2G घोटाले में किसको सजा हुई, हमारे यहां से कोयला घोटाले में किसको सजा हुई? कोयला घोटाले में इनको जरूर सजा हुई है, 3 साल की सजा हुई है दिलीप रे को। आपको बताओ, भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर है तो झूठे ये, छली ये, भ्रष्टाचारी ये, कोर्ट से सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, और लोग हमारे क्या ना, ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, डॉलर को 59 रुपए से 83 रुपए में आप ले जाओ, विश्व में आप अपनी क्या नाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आप कर लेकर के आओ, और परेशान मतलब वो करें हम,
आप सबसे ज्यादा जो है ठीक है सर।